हेलो गाइस, वेलकम टू ज़ुकोर गेम्स। मैं हूँ ज़ुकोर और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं आप अपने गेम लूप या फिर TGB, दोनों सेम है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लू स्टैक में किस तरह से करते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगा था मुझे सीखने के लिए, बट ठीक है, फाइन, फॉर्मेट समझ में आ गया अपने को। और हाँ, जो भी भाई ने मुझे पूछा कि LD प्लेयर में कैसे इंस्टॉल करते हैं COD या फिर मेमू में कैसे इंस्टॉल करते हैं या फिर नॉक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं, भाई सेम है। आपको अगर ब्लू स्टैक में अगर आपको इंस्टॉल करना आ गया ना, तो आप बाकी सब इम्यूलेटर में सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो, काम करेगा, डोंट वरी, इट विल वर्क। मैंने ट्राई किया, बार बार मैं वही चीज़ दिखाऊँगा, मज़ा नहीं आएगा यार। हाँ, गेम लूप का और TGP का थोड़ा अलग फंडा है, बाकी सब इम्यूलेटर में पुराना वाला अपने वर्जन डाउनलोड किया, उसको अपग्रेड किया, GG, नो BB, नो APK की प्रॉब्लम थी उसके अंदर, ठीक है। अब गेम लूप में हम लोग को OBB एंड APK के थ्रू करना है। जैसे कि हम लोग ने, मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग ने PUBG मोबाइल किया था, वैसे ही हम लोग को कॉल ऑफ ड्यूटी भी करनी है। देखो, बाय डिफ़ॉल्ट कॉल ऑफ ड्यूटी गेम लूप के अंदर तो शायद डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट वही दिखाता है, बट TGP वालों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कॉल ऑफ ड्यूटी जो है ना, वो अपना वाला COD नहीं है, वो वेटनेम वर्जन है, VR करके कुछ तो है उसका, जो भी है, तो वो अपना वाला नहीं है। अपना वाला COD ग्लोबल, वो कैसे डालते हैं TGP में, आज हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो भैया लाइक करने में कंजूसी मत करो यार, अगर 400-500 व्यू आता है तो कम से कम आता तो लाइक का रेशियो रखो यार, मेहनत तो हो ही रही है ना, और मैं बना रहा हूँ ना, आप लोग जो बोल रहे हो वही बना रहा हूँ, बाकी कम्युनिटी पे पोस्ट किया हुआ मैंने, वो तो आप लोग देख रहे नहीं हो। 300-350 अभी तक मिला है मुझे टोटल वोट, कौन सा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, जिसके अंदर मैंने पूछा था आप लोग को कि दो अलग अलग चैनल, एक गेमिंग के लिए और एक टेक्निकल सपोर्ट के लिए, तो सपोर्ट करो यार, शुरू करते फिर इसको भी अपन, ठीक है। ऑलरेडी संडे आ चुका है, मंडे भी आएगा। एनीवेज, इस वीडियो को मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा गेम प्ले डालने वाला नहीं हूँ, सिंपल आप लोग को बताने वाला हूँ मैं कि किस तरह से TGP में कॉल ऑफ ड्यूटी अपना ग्लोबल वाला कैसे इंस्टॉल करते हैं। और याद रखना, आपको वो PUBG वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें स्किप करूँगा जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको TGP वाले वीडियो में, हाउ टू इंस्टॉल एंड डाउनलोड TGP था ना, TGP के अंदर जो PUBG था, हाउ टू इंस्टॉल एंड डाउनलोड PUBG मोबाइल इन TGP, उसके अंदर मैंने ES फाइल मैनेजर वगैरह वो सब दिखाया आपको, तो वो सब आप वहाँ से चेक करना, लैंग्वेज किस तरह से चेंज करते हैं वो सब वहाँ से चेक करना। बाकी अपना ऑलरेडी PUBG चल रहा है, तो मतलब अपने पास ऑलरेडी TGP है, तो क्या करना है, सिंपल, पहले गूगल खोलो, गूगल में डालो आप लेटेस्ट COD APK एंड OBB, लेटेस्ट COD मोबाइल, COD मोबाइल APK एंड OBB, क्लिक करो। तो APK प्योर मैं प्रिफर नहीं करता हूँ एक्चुअली, मुझे ये नीचे वाली जो है ना OBB download.com, इस पर ज़्यादा मज़ा आती है, तो इस पर आप क्लिक करो, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में यही लेटेस्ट ही चाहिए अपने को, इस बार सेकेंड हैंड वर्जन नहीं चाहिए अपने को। तो लेटेस्ट के अंदर नीचे दो लिंक है, यहाँ पर एक APK है 94 MB की दिखा रहा है, 87 MB की एक्चुअल साइज़ है, एक OBB दिखा रहा है 2.1 GB की, 1.9 GB एक्चुअल साइज़ है, तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डालने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को ये दो फाइल चाहिए गाइस, दैट्स इट, ये दो फाइल हो गई, खत्म, इसको बंद कर दो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, डायरेक्ट क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक करो डायरेक्ट होती है यार डाउनलोड, ठीक है। तो ये मेरी हो चुकी है, मेरा डाउनलोड का फोल्डर मैं आपको दिखा देता हूँ, और सी ड्राइव मेरा फुल भर गया भाई, अभी कुछ डिलीट करना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ेगा, अपने को बहुत चीज़ें डाल रहे हैं अपन। तो गाइज ये देखो, ये दो फाइल है, जो TGP का आइकॉन दिख रहा ना, वो एक्चुअली APK फाइल है, अपने आप कन्वर्ट हो गई है वो जो भी है, और जो दूसरी फाइल इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, वो अपनी OBB फाइल है। अब APK फाइल सेम, जो जैसे अपन ने PUBG मोबाइल डाउनलोड इंस्टॉल किया था वैसे, क्या करना है, पहले आपको अपना TGP स्टार्ट करना है, TGP गेम लूप वट एवर यू हैव, दूसरे एम्यूलेटर नहीं, उनके लिए अलग वीडियो बनाया मैंने ऑलरेडी, TGP या फिर गेम लूप के लिए सिर्फ ये वीडियो, ठीक है। तो मैंने अपना TGP स्टार्ट किया, अब क्या करना है, माई गेम्स पे क्लिक करो, ठीक है, माई गेम्स पे क्लिक करेंगे ना आप लोग, तो ये अदर्स दिख रहा है, अदर्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया COD, मैंने टेस्टिंग के लिए कर रहा था, वापस नहीं निकाला नहीं मैंने, तो माई गेम्स पे अदर्स या फिर डायरेक्ट का माई गेम खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखो,
ये जो फोल्डर दिख रहा है ना, ये प्लस वाला, ये दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखो ये डाउनलोड के फोल्डर में ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये APK दिखा रही है, इस पर क्लिक करना है, ओपन करना है, ये APK इंस्टॉल कर देगा सेम PUBG की तरह, बट चलेगा नहीं सेम PUBG की तरह, क्योंकि इसको चलाने के लिए OBB चाहिए। ये आपने इंस्टॉल कर दी, ठीक है। अब आपको अपना इम्यूलेटर स्टार्ट करना है, तो भले आप PUBG पे क्लिक करके स्टार्ट करो या गूगल इंस्टॉलर पे क्लिक करके स्टार्ट करो, कहीं पे भी, मतलब अगर आपके पास COD की APK यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर आपको COD भी दिखाएगा, तो किसी भी चीज़ को चालू करो, अपना एम्युलेटर चालू करो और एम्युलेटर पे रहो, एग्जिट करो, उसको रन नहीं करना है अपने को। छोटा मोटा गेम डाल के रखो यार एम्युलेटर को स्टार्ट करने के लिए, बाद में उसको एग्जिट कर दो कम से कम। ये देखो ये एम्युलेटर की, ये अपना एक एम्युलेटर है, ठीक है। तो ये एम्युलेटर आ गया, ये एम्युलेटर की स्क्रीन है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया यार ये तो, ठीक है। तो गाइज ये अपना एम्युलेटर स्टार्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है सिंपल चीज़, डाउनलोड के फोल्डर में से ये जो OBB की फाइल है ना, ये जो OBB की फाइल है इसको कॉपी करो, ठीक है। इसको कॉपी करो और जहाँ पर आपने अपना TGB इंस्टॉल किया ना, उसी डायरेक्टरी में, उसी ड्राइव में, मेरा KML ड्राइव में, उसी ड्राइव के अंदर टेम्प फोल्डर होता है, उसी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल भी होता है और टेम्प फोल्डर भी होता है। तो टेम्प के अंदर जाओ, TX गेम डाउनलोड पे क्लिक करो, मोबाइल गेम PC शेयर पे क्लिक करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। मैंने ऑलरेडी कर दिया है ये वाला, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, समझ लगा बाबा, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब अपना जो एम्युलेटर है ना, जो हम लोगों ने चालू किया था, ये अपना एम्युलेटर है, ठीक है। इसके अंदर आपको ES फाइल मैनेजर पे या फिर फाइल एक्सप्लोरर पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से स्टार्ट करना है इसको। स्टार्ट करने के बाद ये स्टार्ट हो गया, ये तीन बिंदी पे क्लिक करो, इसको साइड में हटा दो। ये जो आइकॉन दिख रहा है ना बीच में, होम के बाजू वाला आइकॉन, SD कार्ड का आइकॉन या फिर फोल्डर का आइकॉन, जो आइकॉन जो भी है, इस पर क्लिक करो इस तरह से। यहाँ पर आने के बाद में अपने को बैक जाना है, तो ये जो लास्ट जो स्लैश दिख रहा है ना, इसको डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी पर आप क्लिक करो इस तरह से, डेटा के फोल्डर के अंदर, अरे डेटा के फोल्डर में बाबा, डेटा के फोल्डर में फाइल वन करके एक फोल्डर, शेयर वन, सॉरी फाइल वन नहीं, डेटा के फोल्डर में शेयर वन करके एक फोल्डर है ये वाला। अब यहाँ पर देखो ये अपनी OBB फाइल है, इसको ना क्लिक करके प्रेस करके रखोगे ना तो सिलेक्ट होता है, अगर खाली क्लिक करोगे तो फिर वो कुछ एरर आएगा कि ओपन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। इसको क्लिक करके प्रेस करके रखो तो वो सिलेक्ट होगा इस तरह से, फिर यहाँ से इसको कट करो या तो कॉपी करो। तो सपोज मैंने कट किया इसको इस तरह से, कट करने के बाद में आपको वापस होम पे आना है। होम पे आने के बाद में इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज के बाद में एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के बाद में OBB, OBB में देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक तो अपना फोल्डर है PUBG मोबाइल का, और दूसरा जो फोल्डर है ना, यहाँ पर आपको एक नया फोल्डर बनाना है। इस ये न्यू पे क्लिक करेंगे इस तरह से, न्यू पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से एक फोल्डर आगा, यहाँ पर फोल्डर का नाम डालना है आपको। फोल्डर का नाम क्या डालेंगे आप लोग, ये नाम com.activision.callofduty.shooter, गौर से देख लो, ठीक है। इस पर क्लिक करो और यहाँ पर अपनी OBB को पेस्ट कर दो, दैट्स इट। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद में, हो गया अपना काम, हो गया ख़त्म, बंद कर दो इसको। ओके गाइस, फोल्डर में OBB फाइल पेस्ट करने के बाद में एक बार रीस्टार्ट मार लो अपने एम्युलेटर को, अपने गेम लूप को, अपने TGB को, और उसके बाद में माई गेम पे जाओ और यहाँ पर देखो कॉल ऑफ ड्यूटी है, इस पर क्लिक करो और प्ले पे क्लिक करो। और ये हो गया है, और पब्लिक हिलना डुलना चालू कर चुकी है पानी में। ओके, तो ये सब फोटो सेंसिटिविटी वार्निंग आ रही है कुछ तो, बड़ा ब्लू कुछ तो लिखा हुआ इसमें। ओके, कंफर्म कर देने का इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्म्स ऑफ यूज़ ओके भाई, सब अपने को एक्सेप्टेड है। फेसबुक से लॉगिन करना है क्योंकि TGB में फेसबुक चलता है। दैट्स इट, इट्स वर्किंग गाइज। लॉबी में हमें हमेशा 30 FPS मिलती है, गेम के अंदर 60 मिलती है। इसमें इस तरह का कुछ तो रूल्स बनाया हुआ है, पता नहीं क्या है।
नई अपडेट आई हुई है, आप लोग मज़े करो, खेलो कूदो। आई होप कि आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिली हो, अगर मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और सपोर्ट करो यार वीडियो को, थोड़ा कमेंट वमेंट करो, थोड़ा शेयर वेयर करो यार, थोड़ा बेल आइकन को प्रेस करो, नोटिफिकेशन लो थोड़ा बहुत, है कि नहीं। मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो डाल रहा हूँ, गेम प्ले भी डालूंगा यार, अलग अलग डालने की भी कोशिश करूँगा, बट देखते हैं पब्लिक अगर सपोर्ट करेगी तो अलग अलग डालेंगे, नहीं तो एक ही चैनल पर सब कुछ चलने दो। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। TGB के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, वाह क्या बात है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।